हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी ठीक हूँ सर। आज का डिस्कशन होने वाला है, आज डिस्कशन होने वाला है CPA के बारे में, विच इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ओके, सो सर, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सो वी आर गोइंग टू कंपेयर एनी कोर्सेज विद दिस? नो, इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट CPA US by AICPA, which is American Institute of Certified Public Accountant. Okay, sir, क्या होता है इसमें, subject कितने होते हैं, कितना cost लगेगा, या तो कैसे examination दिया जाता है, subject के अंदर क्या क्या होता है, evaluation process क्या होता है, job opportunities क्या है, what are the packages which you are going to expect, ये सब कुछ इस वीडियो में slowly I am going to discuss everything. Okay, now sir, basically आप थोड़ा सा समझाओ, what is CPA? Let's say for simple example, India में जैसे chartered accountants होते हैं, वैसे ही same USA में CPAs होते हैं. Okay, this consists of टू मेजर सिनेरियोस। ओके, व्हेन आई से मेजर सिनेरियोस, मैं इंटायर सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक होता है कोर सब्जेक्ट और दूसरा होता है डिसिप्लिन पेपर्स। जब मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ तो ये पेपर ऐसे होते हैं जो कंपलसरी है, विच यू हैव टू गिव। इन तीन पेपर्स में आता है सबसे पहला FAR, विच इज फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। नेक्स्ट आता है आपका AUD, विच इज ऑडिटिंग एंड असिस्टेशन। और थर्ड आता है आपका रेगुलेशन, विच इज नथिंग बट US टैक्सेशन। ये आपके कोर पेपर्स है। व्हेन आई से कोर पेपर्स, मींस इट्स अ कंपलसरी विच यू नीड टू गिव। सेकेंड होता है डिसिप्लिन पेपर। नाउ 2024 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे CPA कोर्सेज के अंदर, थोड़े सिलेबस चेंजेस है, या फिर बहुत सारे कुछ जो पहले 18 मंथ्स था, दीज आर कन्वर्टेड इनटू 30 मंथ्स। मैं सब आगे डिस्कस करूंगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिसिप्लिन पेपर्स। सर, डिसिप्लिन पेपर्स क्या है? पहले क्या होता था, पहले आपको एक ही सब्जेक्ट था विच इज BEC। अब उसको हटा के दे हैव क्रिएटेड 3 डिसिप्लिन पेपर्स, जिसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। सर, व्हाट आर दिस 3 पेपर्स? पहला है आपका बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, विच इज BAR। सेकेंड है टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग, TCP। और थर्ड है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल, ISC। नाउ इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट BAR। इसमें ऐसा था कि जो पहले आपका BEC था, सब्जेक्ट था, उसके मोस्टली टॉपिक्स उन्होंने उठाए, फायर के कुछ टॉपिक्स वहां से उठा के यहाँ पे डाल दिया, सो ये सब्जेक्ट आपका बार बन गया। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट TCP, टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जितना भी एडवांस लेवल का टैक्स था, जो US GAAP में होता है, जो US टैक्सेशन सिस्टम में होता है ऑन सम एडवांस लेवल, वो आप यहाँ पे सीखेंगे। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पेपर, विच इज ISC, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल। ब्यूटिफुल पेपर। इफ योर थ्योरी स्ट्रॉन्ग, और लेट्स से यू आर इंटरेस्टेड और कीन टू नो अबाउट द कंट्रोल्स, ऑब्वियसली दिस विल be the best subject which you can opt for. Sir, examination कब कब होता है? Normally जो आपके core subjects होते हैं, FAR, odd और regulation, ये साल भर होते हैं, except your weekends, Saturday Sunday इसके exam नहीं होते। But let's talk about discipline paper. जब आप discipline papers की बात कर रहे हो, which is BAR, TCP and ISC, इसमें ऐसा होता है कि जो भी quarter end का month होता है, उसमें examination नहीं होंगे। So now let's talk about Jan-Feb में exam है, तो March में exam नहीं है। April-May में exam है, तो June में exam नहीं है। Likewise discipline papers ऐसे होते हैं। Now sir, what will be the paper pattern? पहले ऐसा था, हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने क्राइटेरियाज थे। ओके, नॉर्मली जब मुझे कोई पैटर्न पूछता ना, मैं कभी भी फिक्स आंसर नहीं दे सकता। जनरली जो AICPA बोलता है, वो ये बोलता है कि 50% यू कैन एक्सपेक्ट MCQ एंड 50% यू कैन गेट फॉर सिमुलेशन। लेकिन क्या होता है बताए, समटाइम्स ना ये प्रपोर्शन कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। सो दैट्स द रीजन वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। ओके, नाउ सब्जेक्ट की बात बहुत अच्छे से हम लोग ने समझ लिया। Now let's talk about sir eligibility क्या है। बहुत अच्छे से explain करता हूँ, try to understand। Point number one, सबसे पहले US में 16 years of graduation लगता है। When I say, let's say एक example of India, अपने India में सिर्फ TY तक education होता है। Same ऐसे अगर आप वहाँ पे अगर US की बात करोगे, तो वहाँ पे they need a 16 years of graduation, means graduation is compulsory। But ऐसा होता है, फॉर लेट्स से इफ यू वांट टू राइट अ एग्जाम, यू नीड 120 क्रेडिट्स। ओके, नाउ सर, ये 120 क्रेडिट्स का मतलब क्या हुआ? जब जब आप कोई भी सेमेस्टर एग्जाम देते हो, तो आपको कुछ क्रेडिट मार्क्स मिलते हैं। कुछ कॉलेजेस में 15 मिलते हैं, तो कुछ कॉलेजेस में 20 मिलते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, साल के आपके क्रेडिट्स 30, 30, 30, या तो 40, 40, 40। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ, लेट्स से इफ योर कॉलेज इज NAC एक्रेडिट ए कॉलेज, अगर आपका कॉलेज ए ग्रेडेड कॉलेज है, माइट बी पॉसिबल यू विल गेट 120 क्रेडिट्स इन TY इटसेल्फ। तो आप एग्जाम 120 क्रेडिट्स पे दे सकते हो। बट प्रॉब्लम इज दैट समटाइम्स ऐसा होता है, इवैल्यूएशन के टाइम पे दे टेक अकाउंटिंग क्रेडिट्स,
या तो कॉमर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके बेसिस पे दे टेक क्रेडिट्स। ओके, तो अगर आपको 120 क्रेडिट्स मिल भी चुका है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका क्रेडिट जब आप नाज़मा में फाइलिंग करोगे तो आपका वो 108 या 110 या कुछ ऐसे क्रेडिट्स आ सकते हैं। सो जनरली इफ यू गो विद सम अदर इंस्टीट्यूट दे विल ऑलवेज एडवाइस यू टू गो फॉर सम ब्रिज कोर्सेस जहां पे अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा गोइंग टू चार्ज, बट आई ऑलवेज एडवाइस माई स्टूडेंट गो फॉर मास्टर्स एज लाइक एमकॉम। जहाँ भी आपके स्टेट में अगर कोई डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एमकॉम पार्ट वन या एमकॉम पार्ट टू करके यू कैन गेट 60 क्रेडिट इजीली इन टू इयर्स। ओके, इवैल्यूएशन प्रोसेस मेरा टीम आपको अच्छे से समझा देगा, बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे ये बात करता था व्हेन यू कैन गिव एग्जाम, जब आपका 120 क्रेडिट्स हो जाए। अगर आपका कॉलेज ए क्रेडिट है तो ऑब्वियसली 120 क्रेडिट्स आपको मिल जाएगा। लेट्स अगर ए क्रेडिट नहीं है तो 90 क्रेडिट्स के बाद यू नीड टू डू समथिंग जिससे आपको 30 क्रेडिट्स मिल जाए। तो ये क्रेडिट्स का बात हो गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रोसेस, व्हाट विल बी द फी स्ट्रक्चर सर फॉर सीपीए। ओके, सीपीए का टोटल कॉस्ट जो आता है ना, इट विल बी अराउंड 4.5 to 5 lakhs तक जाएगा। जब मैं 5 lakh आपको बोल रहा हूँ, ये मैं बहुत हाईएस्ट साइड बोल रहा हूँ, बिकॉज सी इट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन डॉलर अमाउंट। तो मैं जनरली जो आपको रेट्स बता रहा हूँ 4.5 lakhs बता रहा हूँ, आई एम टेकिंग डॉलर रेट 83 एट दिस मोमेंट। ओके, आज के दिन के हिसाब से मैं 83 ले रहा हूँ। सो बेसिकली ये इंटायर कॉस्ट इज डिवाइडेड इन टू 4 parts। ओके, जब मैं 4 parts बात करता हूँ, सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा वन टाइम एप्लीकेशन फीस। जब आप वन टाइम एप्लीकेशन फीस बोलते हो तो इट विल कम टू $130, ये पहला है। सेकेंड, आपको इवैल्यूएशन कॉस्टिंग देना पड़ता है जब आप नाज़मा में अपना एप्लीकेशन फाइल करोगे, देन $225, देन यू हैव टू पे एग्जामिनेशन फीस विच विल बी $350, एंड एक और फीस पे करना पड़ेगा सिंस यू आर नॉट गिविंग एग्जाम फ्रॉम द US, यू नीड टू पे वन एडिशनल फीस विच इज इंटरनेशनल टेस्टिंग फीस जो अराउंड आता है $390। अब इन सबका जब टोटल लोगे सो दिस विल कम अराउंड 2 lakh 80 to 2 lakh 90, जिसके साथ आपको कोचिंग क्लासेस का अलग से कुछ फीस आता है। सो लेट्स से एक एग्जाम्पल, जब आप पिक्स की बात करते हो, आई जनरली डोंट टेक इंटायर सब्जेक्ट पूरे साथ में मैं फीस नहीं लेता, आई टेक फीस सब्जेक्ट वाइज। सो एग्जाम्पल, इफ यू टेक माई फीस विदाउट डिस्काउंट, दिस विल कम टू 1 lakh 20,000। सो अगर लेट्स से इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अस, देन ऑब्वियसली यू हैव टू इनकर अराउंड 4.2 to 4.55 lakhs, जहाँ पे टोटल कॉस्टिंग आपका इतना आएगा। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, नाउ अभी इसके बारे में हम बात करेंगे सर, वॉट विल बी द मैक्सिमम पैकेज विच वी कैन एक्सपेक्ट। सी बॉस, मैं दुनिया का तो नहीं बता सकता, बट सिंस वी हैव स्टार्टेड दिस सीपीए फ्रॉम द Jan 2024, इसके पहले फ्रॉम लास्ट 3 years आई यूज टू टीच इन वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आई कॉन्ट टेक द नेम, जहाँ पे जो जितने बच्चे पास हुए थे मैं उनका एक एक्सपेक्टेड सैलरी बता देता हूँ। द मिनिमम विच आई हैव सीन इज 7.8 lakhs एंड मैक्सिमम आई हैव सीन 11 lakhs, बट आप 11 lakhs का इनिशियल लेवल पे प्लीज़ आप एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज क्या होता है एक्सपेक्टेशन बिल्डअप की वजह से ना बहुत सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली आई शुड से चूना लग जाता है। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो विद दैट, जस्ट अज्यूम कि 8 to 10 lakhs यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, सो नाउ सर, विच कंपनी वी शुड बी टारगेटिंग एट दिस मोमेंट, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है। जनरली मैं अपने इंस्टीट्यूट में कभी भी प्लेसमेंट का बात नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे लिए प्राइमरी मोटिव होता है बच्चे का एग्जाम क्लियर करवाना। जैसे आप एग्जामिनेशन क्लियर होते हो, यू कैन क्रैक योर इंटरव्यू लाइक ऑसम वे। इंडिया में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी कंपनीज अपना काम आउटसोर्स कर रही है, तो इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। एग्जाम्पल, आप किसी भी बिग फोर में जाओगे, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी जाजी नेम की जहाँ पे आप इम्प्रेस हो जाओ अनलाइक अदर क्लासेस। मैं यहाँ पे बस इतना बोल रहा हूँ कि बिग फोर में लेट्स से एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे अकाउंटिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज होता है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड जो ऐसा होता है जहाँ पे US के जितने भी काम आते हैं वो आपके पास आते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स से इन गुजरात अहमदाबाद में बहुत सारे CPA फर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे US टैक्सेशन बहुत ही अच्छे से काम होता है, सो यू कैन गेट जॉब इन दैट काइंड ऑफ थिंग्स। जनरली मैं आपको बहुत एक चीज़ ऑनेस्टली बताता हूँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि लेट्स से इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सब्जेक्ट, लेट्स से यू आर रीडिंग फार रेगुलेशन, ये सब आप पढ़ रहे हो, नाउ वॉट पीपल एक्सपेक्ट ना कि अकाउंटिंग में तो जॉब मिल ही जाएगा, रेगुलेशन में तो जॉब मिल जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी भी जब आप कोई डिग्री में घुसते हो, इट डजेंट मीन कि आपको उसी प्रोफाइल में ही जॉब करना चाहिए, इट्स कंप्लीटली फाइन। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, आपके पूरे करिकुलम में कहीं भी इक्विटी वैल्यूएशन नहीं है, अगर है भी तो इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल कॉन्सेप्ट। इफ यू आर USCPA, ऑब्वियसली आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वैल्यूएशन का भी जॉब मिल सकता है। ओके, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द डिग्री। नाउ एक और चीज आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा, देयर आर सम रिवर्स MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 4 ऑफ द इंस्टीट्यूट। ओके, लाइक एग्जाम्पल मैंने कुछ लिख के रखा है, एग्जाम्पल CPA कैनेडा, CPA ऑस्ट्रेलिया, CPA स्कॉटलैंड एंड CPA सिंगापुर। सो लेट्स से इफ यू आर CPA US, यू कैन वर्क इन 4 दीज कंट्रीज विदाउट एनी एग्जामिनेशन।
आपको कोई भी एडिशनल एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर ऑन लाइसेंसिंग. ओके, नाउ व्हाट इज लाइसेंसिंग? जब मैं लाइसेंसिंग की बात कर रहा हूँ, इट्स सिंपल मीनिंग राइट टू प्रैक्टिस या तो राइट टू साइन द रिपोर्ट. अगर आपके पास 150 क्रेडिट्स है और आपने एथिक्स एग्जाम क्लियर कर लिया है एंड यू हैव वन ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, इट कैन बी प्रायर क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन, देन यू आर एलिजिबल टू गेट लाइसेंस. लेकिन उसके लिए जैसे मैंने अभी कहा आपको दैट यू नीड टू गिव एथिक्स का एग्जामिनेशन. आप जैसे ही ये सब तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हो यू कैन गेट लाइसेंस, बट लाइसेंसिंग के लिए यू नीड 150 क्रेडिट्स. सो इन नटशेल, लेट्स से इफ यू वांट टू गिव सीपे एग्जामिनेशन 120 क्रेडिट्स और लाइसेंसिंग के साथ यू नीड 150 क्रेडिट्स, मींस अगर आपके पास 30 एक्स्ट्रा क्रेडिट है यू आर एलिजिबल टू गेट लाइसेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनल थिंग, हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर सीपीए. जनरली आपको बहुत सारे क्लासेस में ये लोग बोलते हैं कि वी आर द सीपीएस एंड अब हमसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा. ट्राई टू वॉच देयर वीडियोस. ओके, लोग हमेशा आपको बोलेंगे ट्राई टू अटेंड माय डेमोस, आप मेरे लेक्चर्स देखो एंड कंपेयर विद अदर क्लासेस दैट हाउ वी टीच. आई जनरली फील दैट जब भी मैं कोई चीज स्टार्ट करता हूँ आई ऑलवेज फील दैट किसी को कुछ नहीं आता है. इफ यू सी माई वीडियो आई ऑलवेज फोकस ऑन ग्रास रूट लेवल टीचिंग. लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड ऑल्सो आपको ये सब समझ में आने वाला है दैट वॉट आई एम गोइंग टू टीच. ओके, सेकेंडली इनिशियली एट दिस मोमेंट आई डोंट हैव एनी टाई अप विथ एनी काइंड ऑफ पब्लिकेशन. जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा वो मेरे खुद के होंगे या तो कहीं ना कहीं से मैंने रेफरेंस लिए होंगे. वी ऑलवेज बिलीव इन पिक्स इन हेल लॉट ऑफ प्रैक्टिस. समटाइम्स ऐसा होता है द पीपल हु हैव गॉट क्लियर फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट दे ऑलवेज टेल मी सर हम इतना पढ़ लेते हैं बट एग्जाम का लेवल इतना है. द लॉजिक इज बिहाइंड दैट आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. अगर आप वर्स्ट तक का प्रिपेयर करके जाओगे तो पेपर आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा. द पीपल हु हैज ऑलरेडी सीइंग माय वीडियोस ऑफ सीएमए, आपको भी पता है ऑन द सेम बेसिस आई एम टीचिंग सीपे यूएस, जहां पे बाकी सब इंस्टीट्यूट आपको 60 आवर्स में 55 आवर्स में समरी मेथड में पढ़ा के छोड़ देते हैं, वहां पे मेरा पर सब्जेक्ट का बजट 180 आवर्स प्लस होता है. एंड यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ही पढ़ाऊंगा और मैं ही पास कराऊंगा, नोबडी विल बी इन बिटवीन. ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन LMS एक्सेस जहाँ पे सारे वीडियोस लेक्चर मिलेंगे एंड द सेकेंड थिंग मेरे लेक्चर्स लाइव होते हैं वो भी डेली 7 to 9. फॉर एनी इंक्वायरीज यू कैन जस्ट कॉल मी एनी टाइम, आई एम गोइंग टू एंटरटेन यू. ओके, वॉट एवर क्वेरीज यू हैव ईदर यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो और यू कैन कॉल मी एनी टाइम सो आई कैन गाइड यू फॉर द सेम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.